नागपुर जिले के कामठी स्थित विश्व प्रसिद्ध ड्रैगन पैलेस टेंपल में 14 व 15 अक्टूबर को धम्म चक्र महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर 15 अक्टूबर को थाईलैंड से दान के स्वरूप में आई भगवान बुद्ध की 100 मूर्तियां पूर्व राज्य मंत्री अधिवक्ता सुलेखा कुंभारे की ओर से वितरित की जाएगी। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन पर आधारित प्रतियोगिता परीक्षा 14 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे स्थानीय ड्रैगन इंटरनेशनल स्कूल और हरदास विद्यालय में हरदास शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संस्थान ड्रैगन पैलेस टेंपल परिसर में आयोजित की जाएगी। इस पूरे विषय पर पूर्व राज्य मंत्री सुलेखा ताई कुंभारे से बातचीत की वीकेवी न्यूज की संवाददाता शिवानी थोटे ने। तो आपने अभी अभी जैसे बताया कि आपने बहुत सारी स्कीम्स वगैरह निकाली है जहाँ MSME के तहत, और कहा है कि बहुत सारी जॉब्स उसके थ्रू आप महिलाओं को दिलवाने वाली है, तो उसके बारे में हमें बताइए। देखो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानवंदना देते हुए अभी जो 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को हमने धम्म महोत्सव का आयोजन किया है, तो सभी जानते हैं कि पवित्र दीक्षा भूमि पर ड्रैगन बाबा साहब ने जो दीक्षा लिया बौद्ध धम्म की, और हमारे जो अस्पृश्य समाज थे उनको मानवतावादी जीवन जीने का एक रास्ता उन्होंने खुला किया। अभी बाबा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, उनके प्रति अपना भावना व्यक्त करने के लिए लाखों की संख्या से पूरे देश के कोने कोने से दीक्षा भूमि पर लोग आते हैं, दीक्षा भूमि से ड्रैगन पैलेस लोग आते हैं। तो ऐसे समय में बाबा साहब को वंदन करते हुए हमने 14 और 15 को धम्म महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें 14 तारीख को भिक्षु संघ की उपस्थिति में विशेष बुद्ध वंदना होगी, और वहाँ पर भिक्षु संघ को चिवर दान दिया जाएगा, संघ दान दिया जाएगा, और साथ में दादा साहब कुंभारी जी का भी स्मृति दिन है, उनको भी अभिवादन किया जाएगा। अभी बाबा साहब ने अपने जीवन काल में जो जो किया है वो बच्चों तक मालूम होना चाहिए, स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, इसलिए उनके जीवन पर हमने कोई प्रश्नावली तैयार की है, और उसकी एक स्पर्धा हमने विद्यार्थियों के लिए रखे हैं जिसमें ऑनलाइन भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरी अपेक्षा है कि अभी लॉकडाउन की स्थिति अभी जस्ट ख़त्म हुई है, तो करीब करीब 500 स्टूडेंट इसमें भाग लेंगे, और जो स्टूडेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आएंगे इस स्पर्धा परीक्षा में, उसका आगे के भविष्य के एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी हम ओगावा सोसाइटी उठाएंगे। तो ये एक उनको बाबा साहब का एक मानवंदना है। अब रहा सवाल कि आर्थिक उत्थान कैसे हो, तो हम अभी जो देख रहे हैं प्रेजेंट सिनारियो जो देख रहे हैं, इसमें सरकारी नौकरियां लोगों को लगने वाली नहीं, सभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि लोगों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार देना चाहिए, इसलिए हमने दादा साहब कुंभारे बहुउद्देश्य प्रशिक्षण केंद्र में अनेक प्रोजेक्ट हमने लाए, ITI लाया है, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन फिटर जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर महिलाओं को रोजगार देने के लिए हमने जो भारत सरकार की MSME स्कीम है उसमें हमने एक अगरबत्ती प्रोजेक्ट डाला था, उसको मंजूरी प्राप्त हुई है, तो करीब करीब 250 महिलाओं को हम अगरबत्ती प्रोजेक्ट के माध्यम से हम स्वरोजगार देंगे। अभी ये एक स्वरोजगार का हुआ, मगर दूसरा हम देखते हैं कि कामठी में बहुत बड़े पैमाने पर विवश रहते हैं, बुनकर रहते हैं, तो ऐसे लोगों को हमने अभी भारत सरकार के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की ओर से एक स्कीम है जिसमें समर्थ ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया जाता है, तो उसमें जो भी ट्रेनिंग लेता है उसको 45 दिन का ट्रेनिंग दिया जाता है, और उनको 9,000 रुपये स्टाइफंड मिलता है, और उनको 45 दिन के बाद वो इतने ट्रेन हो जाते हैं कि वो अच्छे तरीके से कारपेट, पिल्लोस और बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर ट्रेनिंग के माध्यम से वो रोज़गार अगर तैयार होता है तो उसका शुभारंभ भी हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं उसको हमने लाना चाहिए और उसका फ़ायदा उठा के लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ये हम सोच रहे हैं। तो धम्म चक्र प्रवर्तन का मुख्य समारंभ हम करेंगे जिसमें माननीय नितिन गडकरी आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस आ रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले साहब आ रहे हैं, और ये मुख्य समारंभ हमारा
15 तारीख को सुबह 11 बजे होगा। तो ये सब मान्यवर की उपस्थिति में हम ये एजुकेशनल, सोशल, रिलीजियस पूरा कार्यक्रम हम उनके सामने करने वाले हैं। तो इस कार्यक्रम में सभी लोग ने आना चाहिए, ऐसा आह्वान करते हैं। मगर शासन ने जो गाइडलाइन दिया है उसका थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि सरकार इस पर सोचे, क्योंकि दो वैक्सीन जिन्होंने लिया है उन्हीं को प्रवेश दिया जाएगा, ये जो कह रहे हैं ये मुमकिन नहीं है। सेकेंडली उन्होंने कहा है कि 10 साल के बच्चे जो होंगे, 10 साल से कम उम्र हो, 65 साल से ज़्यादा, इनको प्रवेश नहीं दिया जाए। ये भी उन्होंने शिथिल करना चाहिए, ये कंडीशन को रद्द करना चाहिए। बहुत दिनों के बाद दीक्षा भूमि पर और ड्रैगन पैलेस में लाखों भाविक जो आते थे, 2 साल से आए नहीं, तो ये हमारा बैकलॉग हम समझते हैं, और इसलिए इन्होंने खुला कर देना चाहिए और उसका पालन, जो कोरोना का गाइडलाइन है उसका पालन करने का हम लोगों को विनंती करेंगे और उस तरीके से हमारा कार्यक्रम होगा।